जिस आदमी ने अपना ढाबा सलामत रखने के लिए तुम्हारे डैडी के फाइटर के ऊपर के दो माले उड़ा दिए, वो अपना प्यार सलामत रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अपने अभी कुछ उसूल है मेम साहब। आराम की दौलत, जबरदस्ती का प्यार और गंदा बदबूदार खाना, इन तीनों का एक ही हश्र होना चाहिए। इन्हें उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देना। तुम नहीं जानती ये चाल चल के तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। जिस आदमी की तुम बात करती हो, उन्हें जाने तुम जैसे कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। चाहे सुनने में तकलीफ हो रही है, मैं उसका हर रंग देख चुका हूँ और शायद तुम्हारे डैडी भी देख चुके हैं, इसीलिए तुम्हारी शादी उसके साथ करने को तैयार नहीं। क्योंकि दुनिया का कोई भी बाप जानबूझकर अपनी औलाद को मौत के मुंह में ढकेलता नहीं, और तुम्हारे डैडी वो तो तुम पर जान रखते हैं और तुम उन्हीं को धोखा दे रही हो, उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। किरण, आज तक मैं तुम्हारे डैडी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा, मगर आज मुझे उनसे बड़ी दया आ रही है। तुम्हारा इस फैसले से दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, वो शर्म के मारे मर जाएंगे और उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो।